हम लोग करेंगे एक्सप्रेस वीपीएन का रिव्यू 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैंने वीपीएन के रिलेटेड बहुत सारी बात करी है। एक्सप्रेस वीपीएन एक ऐसा वीपीएन है जिसको मैं ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम लोग इसका डिटेल रिव्यू करेंगे 2023 के लिए, देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये आज भी अच्छा है कि नहीं, और इंडिया में नए वीपीएन रूल्स आने के बाद में एक्सप्रेस वीपीएन की परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो एक्सप्रेस वीपीएन को लॉन्च किया गया था 2009 में। इसके बाद इसने काफ़ी ग्रो किया है एंड रिसेंटली सितंबर 2021 में इसको एक्वायर भी किया गया था केप टेक्नोलॉजीज के थ्रू। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे। पहले हम लोग वीपीएन के बारे में बात कर लेते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करूं तो ये रहा इसका यूजर इंटरफेस, कुछ इस तरीके से ये मैक में दिखता है। काफी इजी टू यूज है, सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स। लोकेशन यहाँ पे चेंज करी जा सकती है इजिली। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद इंडिया सर्वर, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा एंड इंडिया के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। सेटिंग्स यहाँ से मिल जाती है, प्रेफरेंस पे जा करके जो भी बेसिक सेटिंग्स है, प्रोटोकॉल्स वगैरह, सब यहाँ पे इजिली मैनेज हो जाता है। मोबाइल इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा ऑन iOS। कनेक्ट करने के लिए अगेन सिंपल ही है, जैसा डेस्कटॉप पर था वैसा ही यहाँ पर मोबाइल पर भी है। लोकेशन अगेन यहाँ से सिलेक्ट करी जा सकती है लाइक दिस। एंड सेटिंग्स के ऑप्शंस की बात करी जाए तो ऑप्शंस, सेटिंग्स, नॉट नाउ, लेट्स गो टू सेटिंग्स, प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, थ्रेट मैनेजर है, नेटवर्क प्रोटेक्शन, और स्प्लिट टनल आपको iOS में नहीं मिलता है, वो सिर्फ एंड्रॉइड में मिलता है। सर्वर्स की बात करी जाए तो एक्सप्रेस वीपीएन के पास 94 कंट्रीज में सर्वर्स हैं, मोर देन 3000+। इंडिया की बात करी जाए तो दे हैव 2 वर्चुअल सर्वर्स इन इंडिया, एक सिंगापुर के थ्रू, एक यूके के थ्रू, बिकॉज इन्होंने यहाँ से रिसेंटली अपने जो ओरिजिनल सर्वर्स थे वो हटा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक नया लॉ पास किया गया था इंडिया में कि अगर आपके इंडिया में सर्वर्स हो तो आपको डेटा रखना पड़ेगा अपने कंज्यूमर्स का। इट्स गुड कि एक्सप्रेस वीपीएन ने यहाँ से अपने सर्वर्स हटा करके सिर्फ वर्चुअल सर्वर्स ही इंडिया में रखे हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है वर्चुअल सर्वर्स के बारे में, नए लॉ के बारे में, तो उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। स्पीड की बात करूं तो जो मेरे ओरिजिनल कनेक्शन की स्पीड है वो है 200 Mbps डाउनलोड एंड 200 Mbps अपलोड। इंडिया में जब मैंने कनेक्ट किया वाया यूके तो जो मुझे स्पीड्स मिली है वो है डाउनलोड में 130, अपलोड में 105 और मुझे 301 ms का पिंग भी मिला है। इंडिया में जब मैंने वाया सिंगापुर कनेक्ट किया तो 180 डाउनलोड, 122 अपलोड और जो पिंग मिला है वो है 154 ms का। जब मैंने US सर्वर्स का यूज़ किया तो 140 डाउनलोड और 70 की अपलोड स्पीड मिली, पिंग जो था वो था 255 का। तो ओवरऑल स्पीड्स मुझे अच्छी देखने को मिली है, वाया सिंगापुर ज़्यादा अच्छे है कम्पेयर टू वाया यूके। और जो US सर्वर्स है उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो डाउनलोड स्पीड है वो भी अच्छी है, लेकिन जो अपलोड स्पीड है वो आई थिंक थोड़ी और बेटर हो सकती थी। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो AES-256 bit का इंक्रिप्शन है, प्रोटोकॉल्स आपको सारे मिल जाते हैं। वायर गार्ड प्रोटोकॉल नहीं है लेकिन लाइट वे का प्रोटोकॉल है, जो इनका खुद का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि अच्छे सिक्योरिटी मिलता है एंड कनेक्शन भी फास्ट रहता है। ओनियन वेबसाइट भी है, टॉर ब्राउजर के लिए ऑटो किल की फंक्शनलिटी है और DNS लीक्स भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिले थे। स्ट्रीमिंग की बात करी जाए तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट VPNs फॉर स्ट्रीमिंग। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रीमिंग पर्पसेस। हॉटस्टार स्ट्रीम किया था मैं अभी रिसेंटली, यूरोप गया था, मैंने हॉटस्टार इसी से स्ट्रीम किया था। देन अमेजॉन प्राइम स्ट्रीम कर सकता हूँ मैं इंडिया का भी, US का भी, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर सकता हूँ इंडिया का, US का, स्ट्रीमिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो इनका कस्टमर केयर हमेशा वो सॉल्व कर देता था। P2P की बात करी जाए तो एक्सप्रेस वीपीएन सपोर्ट्स P2P, टॉरेंटिंग करी जा सकती है। लोकेशन की बात करूँ तो एक्सप्रेस वीपीएन इज बेस्ड आउट ऑफ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जहाँ पे डेटा रिटेंशन कंपलसरी नहीं है। लॉगिंग पॉलिसी की बात करी जाए तो प्राइवेसी पॉलिसी इसकी पहले देखते हैं। इसमें इन्होंने साफ बताया कि दे डू नॉट कलेक्ट एनी लॉग्स, एक्टिविटी लॉग या फिर लॉगिंग लॉग, ट्रैफिक डेस्टिनेशन डेटा वगैरह कुछ भी कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो अब कलेक्ट क्या करते हैं, थोड़ा और डिग इन डीप करते हैं हम लोग हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में। पर्सनल डेटा पे इन्होंने बताया कि ये मेनली जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं वो है आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन और आपका नाम और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देते हो तो। इसको भी यहाँ पे बाईपास किया जा सकता है, यू कैन पे थ्रू बिटकॉइंस एंड ईमेल देना ही पड़ेगा, बिना ईमेल के आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो मिनिमल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली जा रही है। अच्छी बात यह है कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का ऑडिट भी हुआ है, PwC ने इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और सर्वर्स का ऑडिट किया था एंड ये कन्फर्म किया था कि किसी भी तरह का यहाँ पे डेटा नहीं रखा जाता है, तो इट इज़ सेफ। लेकिन ये जो ऑडिट हुआ था वो 2019 में हुआ था। आई होप कि इट्स हाई टाइम नाउ कि एक और यहाँ पर ऑडिट किया जाए 2023 के लिए। और काफ़ी सारे और भी यहाँ पर ऑडिट्स हुए हैं रिसेंटली, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी और सर्वर के ऑडिट नहीं हुए हैं। QR53 ने इनके रिसेंटली एक ऐप फीचर का ऑडिट किया था। देन दे हैव ऑडिट फॉर एक्सप्रेस वीपीएन का जो ऐप है विंडोज़ के लिए, उसका ऑडिट हुआ है। देन लाइट वे प्रोटोकॉल जो है उसका भी ऑडिट किया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इन सबका यहाँ पर ऑडिट किया गया है। देन 2017 में एक पुलिस केस भी हुआ था जहाँ पर इनके सर्वर को ही सीज कर लिया गया था टर्की की पुलिस ने।
लेकिन उस सर्वर में से कुछ नहीं निकला था, तो ये ऑडिट से भी बड़ा प्रूफ है कि पुलिस को भी इनके सर्वर से कुछ नहीं मिला. सो दैट्स द बिगेस्ट प्लस. एंड देन वी हैव ट्रस्टेड सर्वर फंक्शनैलिटी ऑन एक्सप्रेस वीपीएन. मतलब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो रैम में होता है, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो सर्वर्स हैं वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है. ऑन एक्सप्रेस वीपीएन वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस रैम ओनली सर्वर्स, और ये भी ऑडिटेड है. स्प्लिट टनल की बात करूँ तो वो सिर्फ आपको एंड्रॉयड में ही मिलती है. कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करी जाए तो आपको थ्रेट मैनेजर मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग ब्लॉक कर सकते हो एड्स को, मैलवेयर्स को, और जो भी ट्रैकर्स हैं उन सबको ऑटोमेटिकली ब्लॉक किया जा सकता है थ्रेट मैनेजर के थ्रू. थ्रेट मैनेजर सभी में अवेलेबल है सिवाय एंड्रॉयड ऐप के. डिवाइसेस की बात करूँ तो एक्सप्रेस वीपीएन आपको सारे ही पॉपुलर डिवाइसेस में मिल जाएगा. पॉपुलर कहे तो जो नॉन पॉपुलर है उसमें मिल जाएगा. राउटर के लिए भी इसका ऐप है, क्रोमबुक के लिए भी है, किंडल के लिए भी है, iOS एंड सब तरह के एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं. सारे ही ऑलमोस्ट डिवाइसेस के लिए है, एक्सबॉक्स के लिए भी है. सो इट इज़ वन ऑफ दोस वीपीएन जो वाइडली डिवाइसेस में अवेलेबल है एट प्रेजेंट. मुझे नहीं लगता कि कोई और वीपीएन है जो इतना क्लोज है कंपेयर टू कंपैटिबिलिटी फॉर ऑल द डिवाइसेस. और इसमें एक सबसे बड़ा कॉन पहले था इंडियंस के लिए कि जो इसका एंड्रॉयड ऐप था वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं था, तो APK डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसको अपडेट करते रहना पड़ता था. अब वो वाला कॉन नहीं रहा है. अब जो इनका एंड्रॉयड ऐप है दैट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर इन इंडिया. सो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपडेट करके इजीली यूज़ किया जा सकता है. यूज़र्स की बात करूँ तो यहाँ पे 5 साइमल्टेनियस यूज़र्स सपोर्ट करता है. 5 साइमल्टेनियस डिवाइसेस पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, 5 डिवाइसेस पे एक साथ. कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, फ्रेंडली है, और रिफंड भी इजीली ये लोग दे देते हैं. इससे पहले मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एक्सप्रेस वीपीएन ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए. हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए. तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके. प्लस आपको भी एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे. तो प्राइसिंग की बात करूं तो अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे go.kripeshadwani.com/expressvpn, देन यहाँ पर आपको 3 months एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरे लिंक के थ्रू. ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन यू विल गेट अराउंड $6 पर मंथ फॉर 15 months की प्राइसिंग रहेगी. एंड जो इसकी टोटल प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स $99 फॉर 15 months. रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो 30-day रिफंड पॉलिसी मिलती है. कुछ प्रोस के बारे में बात करी जाए तो स्पीड्स यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है. वर्चुअल सर्वर्स है इंडिया में, स्ट्रीमिंग के लिए बहुत अच्छा है. रैम सर्वर्स मिल जाते हैं. यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है. कस्टमर सपोर्ट अच्छा है और रिलायबल भी है. अब इससे पहले मैं कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा. अब अगर इसके सबसे बड़े कॉन के बारे में बात करूँ वो ये है कि रिसेंटली इसको एक्वायर किया गया है केप टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू. September 2021 में ये वाली डील हुई थी जहाँ पर एक्सप्रेस वीपीएन को खरीद लिया गया था अराउंड $936 million में. ऑलमोस्ट $1 billion में इसको परचेज किया गया है. एंड केप टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ दोज कंपनीज दैट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ. इसलिए क्योंकि पहले तो जो केप टेक्नोलॉजीज थी वो क्रॉस राइडर के नाम से थी. क्रॉस राइडर फेमस था मैलवेयर्स के लिए, पहले वो लोग मैलवेयर्स बनाते थे. देन 2018 में इन्होंने अपना मार्केट चेंज किया, इन्होंने अपना नाम चेंज किया, क्रॉस राइडर बन गया केप टेक्नोलॉजीज, और ये आ गए सिक्योरिटी मार्केट में, वीपीएन मार्केट में. मतलब वायरसेस बनाने से सीधे वीपीएन मार्केट में इन्होंने एंट्री ले ली एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये अपने आप को कहने लग गए. एट प्रेजेंट उनके पास बहुत सारे वीपीएन हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी है. साइबर गोस्ट, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, जेनमेट वीपीएन, और अब एक्सप्रेस वीपीएन भी उन्हीं के अंडर आ गया है. और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे जो मीडिया पब्लिशिंग वेबसाइट्स है उसको भी खरीद के रखा है. रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर एक वेबसाइट परचेज करी थी, दैट वाज वीपीएन मेंटोर. वीपीएन मेंटोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स. अगर आप लोग कोई भी वीपीएन रिव्यू करोगे गूगल पे जाकर तो वीपीएन मेंटोर ये दिखेगी. ओनरशिप पे जाओगे तो ओनरशिप पे यू कैन फाइंड इट आउट कि केप टेक्नोलॉजीज है जिनके पास एक्सप्रेस ये सब लिखा हुआ है. इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दिया है, सो दैट इज़ गुड, प्लस पॉइंट फॉर दैट. लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपने ही वीपीएन पहले देके रखे. बेस्ट वीपीएन फॉर ओवरऑल, आई एम श्योर यहाँ पर भी एक्सप्रेस वीपीएन साइबर गोस्ट ही लिखा होगा. एक्सप्रेस साइबर गोस्ट प्राइवेट इंटरनेट एंड देन whiskcase.com है, ये भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है. अगेन ओनरशिप पे जाओगे तो यू कैन सी केप टेक्नोलॉजीज ने इसको ओन करके रखा है. एंड देन वीपीएन पे जाएंगे हम लोग, रिव्यूज़ पे जाएंगे, एक्सप्रेस साइबर गोस्ट प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस प्राइवेट वीपीएन जेनमेट सब इन्हीं के. सो मैं पर्सनली यहाँ पर केप टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कॉन फॉर मी. नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, एक्सप्रेस वीपीएन काफ़ी अच्छा वीपीएन है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी रही है पिछले कुछ सालों से, अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस ही है. एंड मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसकी
एक्विजिशन के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ओवरऑल एक्सप्रेस वीपीएन की मुझे रिलायबिलिटी, स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस, कस्टमर सपोर्ट, यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन अगर आपको भी प्रॉब्लम है इसके एक्विजिशन को लेकर के, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू केप टेक्नोलॉजीज, देन मे बी यू कैन ऑल्सो गो फॉर सर्व शार्क, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सप्रेस वीपीएन की तरफ जा सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।